दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में, सन ट्रांजिट के बारे में। सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे 16 नवंबर 2024 को, राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि तुला राशि को छोड़ करके सूर्य भगवान अपने मित्र के घर, मंगल के घर, मंगल की राशि में, अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि में इनका प्रवेश होगा। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक इनका गोचर, सूर्यदेव का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा। अपने मित्र के घर में निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के लिए परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा खास बनने वाला है, बहुत ही खास ज़्यादा लाभ देने वाला है। सूर्यदेव का गोचर जब नीच राशि में होता है तो निश्चित रूप से कुछ नेगेटिव फल देते ही देते हैं, लेकिन जब ये वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो राहु और बृहस्पति की दृष्टि से विशेष रूप से दृष्ट रहेंगे, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। नीच राशि से सूर्यदेव निकल जाए यही अपने आप में बड़ा परिवर्तन है, लेकिन इससे बड़ी खास बात यह है कि सूर्य भगवान को बुध का साथ मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण होगा। बृहस्पति की दृष्टि से और राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर के यहां पर समतुल्य प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि राहु भी अपना प्रभाव दे रहा है और बृहस्पति भी। तो हम जानेंगे कि आपके लिए कैसा प्रभाव देने वाले हैं सूर्यदेव, वह सूर्यदेव जो हर व्यक्ति के लिए आत्मा के कारक कहे गए हैं, आत्मविश्वास के कारक कहे गए हैं, कॉन्फिडेंस के कारक कहे गए हैं, हड्डियों के कारक हैं सूर्यदेव, और आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक हैं सूर्यदेव। कुंडली में अगर सूर्य अच्छा हो तो आपने हर किसी से सुना होगा कि अगर एक सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा हो गया तो बाकी के 8 ग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सूर्य मात्र आपका सूर्य आपके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार आपको इतना परिपूर्ण कर देगा कि आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, या फिर मैं ये कहूं कि आप उन प्रॉब्लम को बहुत छोटी प्रॉब्लम समझेंगे जिससे अक्सर हम लोग बहुत डर जाते हैं। एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम हमें डरा देती है, लेकिन जिसका सूर्य अच्छा हो उसको कभी भी प्रॉब्लम्स से डर नहीं लगता है। उसकी समस्याएं उसके लिए एक चुनौती होती हैं, न कि किसी प्रकार की कोई बड़ी विपत्ति। इसीलिए सूर्य का अच्छा होना कुंडली में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। हम आपको बताएंगे कि ये अच्छे सूर्य, वृश्चिक के सूर्य आपकी राशि को यानी मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों को कैसा प्रभाव देने वाले हैं। उससे पूर्व आपको बता दें, सूर्यदेव सरकारी नौकरी के भी कारक होते हैं, प्रमोशन को भी दिखाते हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को दिखाते हैं, एक बदलाव को दिखाते हैं और एक नई शुरुआत को भी दिखाते हैं। अगर बात लव लाइफ की करी जाए तो पंचमेश बनते हैं कालपुरुष की कुंडली में सूर्य, तो विशेष रूप से पंचम भाव प्रेम और सम्मान का भाव है, तो प्रेम और सम्मान की वृद्धि को भी दिखाते हैं सूर्यदेव, प्रेम और सम्मान की प्रगाढ़ता को दिखाते हैं और अधिक विश्वसनीयता को दिखाते हैं। इसलिए सूर्य को जितना ज़्यादा सूर्य की व्याख्या की जाए, सूर्य के बारे में कहा जाए उतना कम है, लेकिन मैं आपको एक शब्द में अगर सूर्य को समझाऊं तो आप इतना समझ लीजिए कि सूर्य सब कुछ है, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है और आपकी आत्मा ही आपके लिए सब कुछ है। अगर आत्मा शरीर से दूर हो गई तो शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा, उसका कोई अता पता नहीं। इसीलिए सूर्य को अधिक महत्व देते हुए परिवर्तन के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो सूर्य आपके लिए क्या करने वाले हैं, क्या परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों एक बात और, 2025 के राशिफल के वीडियो हम दे चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, जाकर के देख लीजिए, 12 राशियों का राशिफल मिल चुका है। और हमारे दूसरे चैनल पर लव टिप्स विद अतुल जी पर भी लव राशिफल मिल चुका है, जाकर के जरूर देखिए, और बहुत कुछ विशेष है 2025 में वो जान लीजिए, पहले जान लेंगे तो बहुत सारे फायदे हैं उसके, आप समझदार हैं, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव की, बात करेंगे राशिफल में राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि
मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, सूर्यदेव का अष्टम में गोचर करना ये अपने आप में अद्वितीय है। अष्टम के सूर्य को इतना खराब नहीं कहा गया है क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और हड्डियों के कारक होते हैं। अष्टम में सूर्य जाते ही व्यक्ति के हड्डियों में बल बढ़ता है और क्योंकि ये नीच राशि से अष्टम में जाते हैं इसलिए इन्हें और अच्छा कहा गया है। निश्चित रूप से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके करियर, व्यापार और पार्टनरशिप के व्यापार में विशेष रूप से तरक्की के योग बनेंगे। अगर पार्टनरशिप का व्यापार खराब हो गया था, पार्टनर के साथ में झगड़े हो गए थे तो वो समाप्त होंगे। यहां तक कि मैरिड लाइफ में भी जो तमाशे चल रहे थे वो भी कम होंगे और आप अपने करियर में एक हर तरीके से कॉन्फिडेंस आपका आएगा कि आप ये चीज प्राप्त कर पाएंगे। विशेष रूप से मैं कहूंगा कि सूर्य देव का यह प्रभाव निश्चित रूप से आपके लिए अलौकिक है और आपकी धन वृद्धि के लिए, आपकी परिजनों का सपोर्ट पाने के लिए और परिवार की वृद्धि के लिए बहुत श्रेष्ठ है। किसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं या सरकारी कोई विकास चाहते हैं, सरकारी कोई टेंडर चाहते हैं, सरकारी धन लाभ चाहते हैं, वो मिलेगा। सूर्यदेव आपकी लंबी यात्रा या विदेश यात्रा भी करवाएंगे और क्योंकि आपके पंचमेश बनते हैं सूर्य और पंचम भाव का स्वामी अगर अष्टम में जाए तो इसका संबंध इस तरीके से समझ लीजिए कि या तो आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा गहरा प्यार पाने वाले हैं या फिर आप अपनी संतान से बहुत गहरा कष्ट पाने वाले हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आप संतान हो चुकी है आपकी और संतान बड़ी हो गई है तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ सोचने विचारने वाली बातें जरूर हैं जिन्हें विशेष ध्यान में आपको रखना होगा। और एक बड़ी बात मैं विशेष आपको बता दूं, क्योंकि ये सूर्य अष्टम में है और अष्टम के सूर्य को बुध का सपोर्ट मिला है तो ऐसे में विशेष रूप से ऐसे लोग जो कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि उनका कार्य वाणी का है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, तो ऐसे फील्ड में अलग चमक धमक बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी इस सूर्य के गोचर में 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों, आपके लिए सूर्यदेव निश्चित रूप से कई दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी, कई कोर्ट कचहरी में केस जो चल रहे हैं वो सुलझ जाएंगे। वर्षों से चले आ रहे, खास करके 12 वर्षों से चले आ रहे केस, करेक्ट 12 वर्षों से चले आ रहे कोई केस आपका चल रहा है तो उसमें आपको जीत मिल सकती है इस महीने, इस गोचर काल में। आपके पार्टनरशिप के व्यापार में संबंध मधुर होंगे और बिजनेस व्यापार की तरक्की बढ़ेगी। हालांकि मैरिड लाइफ में छोटे मोटे आर्गुमेंट होते रहेंगे और आपके पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, सम्मान की वृद्धि देखी जाएगी। आपकी वाइफ आपके खर्चे अधिक करवा सकती है, आपके मकान या वाहन की परचेस हो सकती है, यानी कि मकान की रजिस्ट्री हो जाए, प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाए, या इस बीच में कोई सरकारी नौकरी में प्रमोशन भी देखा जा सकता है या सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। हो सकता है नौकरी आपको ना मिले, आपकी वाइफ या हस्बैंड को मिलने वाली हो, आपकी भाग्य की बदौलत, आपकी मेहनत की बदौलत, तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सूर्य का यह गोचर निश्चित रूप से बहुत लोगों की सच्चाई सामने लेकर आएगा। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए आपके प्रेम संबंधों से पर्दे उठेंगे और तो और आपके दोस्त आपके लिए कितना अच्छा सोचते हैं वो भी आपको पता चलेगा। कई भ्रम टूट जाएंगे आपके, कोर्ट कचहरी वाद विवादों से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। लेकिन अगर वकील हैं या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य करते हैं, जज हैं, ऐसे फील्ड में काम करने वाले, खास करके अगर आप लॉ एंड ऑर्डर इत्यादि संभालते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली और तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप विदेश में रहते हैं तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए कई विदेशी सरकारों से समस्याएं खड़ी करने वाला सूर्य रहेगा। कई ऐसे निर्णय सरकार करेगी विदेश में जो निश्चित रूप से आपके वीजा से संबंधित कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या फिर दिखाई जा सकती है, या उस तरह का माहौल बनेगा कि आपके अंदर डर का एक माहौल बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के लिए।
कर्क राशि वालों, सूर्यदेव का है गोचर, शिक्षा में अलग क्रांति लेकर आएगा। शिक्षक हैं और अपना एक कोचिंग इत्यादि आप चलाते हैं, या आपका कोई भी किसी प्रकार से ऐसा कोई बिजनेस मॉडल है जो पढ़ाई के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, तो बहुत तरक्की मिलेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इत्यादि पे पढ़ाते हैं, वहाँ पर तरक्की और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। उसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, अलग कॉन्फिडेंस जागेगा और विशेष रूप से आपकी कोई डिमांड आपके घर वाले पूरी कर सकते हैं। सूर्यदेव का यह गोचर निश्चित रूप से आपके धन लाभ के लिए, आपके व्यापार के लिए और आपके सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। राजनीति के फील्ड में जो आपका पद घटा या किसी प्रकार का अपमान हुआ, जो पूर्व में कुछ स्थितियां खराब हुई उनमें स्थितियां बेहतर होंगी और निश्चित रूप से आपको एक बेहतरीन स्थिति देखने को मिलेगी अपने जीवन में इस गोचर काल में। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपके लिए निश्चित रूप से मालामाल करने वाला है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, राजनीति में अधिक विकास मिलेगा और बड़े अधिकारी आपका सम्मान करेंगे, आपका प्रमोशन करेंगे या फिर आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, जिससे आपकी उनसे एक अच्छी गहरी मित्रता हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरव्यू इत्यादि होता है तो उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। उसके साथ साथ आप मकान या वाहन परचेस कर सकते हैं। सूर्यदेव आपको अलग सफलता दिलाने वाले हैं, जो आपने जो अपना सक्सेस, जो सफलता का दायरा सेट कर रखा है वो आपका पूरा होने वाला है और निश्चित रूप से आपकी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली हैं। दूर की यात्रा बहुत सफलतापूर्वक संपन्न होंगी और विशेष रूप से मैं कहूंगा कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। आपके करियर में तरक्की आपको प्राप्त होगी और प्राइवेट सेक्टर में भी आपके बॉस के साथ संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। सूर्यदेव के इस गोचर से सबसे ज्यादा जो लोग स्वर्णकार हैं, यानी कि कोई भी स्वर्ण से संबंधित, स्वर्ण आभूषण से संबंधित बिजनेस करते हैं, उनके लिए विशेष तरक्की के रास्ते खोल देने वाला है या फिर आपके लिए बहुत ज्यादा धन लाभ के योग बनाने वाला है, ये स्थिति है। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर कोई नई शुरुआत कराने वाला है, कोई नया बिजनेस डाल सकते हैं, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, मेहनत का फल मिलेगा, आलस्य खत्म होगा और विद्यार्थियों के लिए एक नई सफलता के दायरे सेट होंगे। निश्चित रूप से आपके बहुत सारे सगे संबंधियों से संबंध खराब हो चुके हैं, उनसे संबंध अच्छे होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। विदेश यात्रा हो सकती है, लंबी यात्रा हो सकती है, स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपको परिजनों के साथ में संबंध मधुर बनाने का मौका देगा। अगर किसी परिजन के साथ संबंध खराब हो गए हैं या फिर किसी रिलेटिव के साथ संबंध खराब हो गए हैं, तो रिश्ता फिर से सही करने का एक मौका ये समय देने वाला है। धन वृद्धि निश्चित रूप से देखी जाएगी और आपकी वाणी की लोग प्रशंसा करेंगे। आप अगर सेल्स के फील्ड में हैं या मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो तरक्की बहुत बड़ी मिलने वाली है आपको। उसके बाद में स्थितियां तो यहां पर रिसर्च के फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी हैं और बहुत ज्यादा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपके रिलेशनशिप में अगर कोई भी आपने झूठ बोल रखा है तो उस झूठ को छिपाने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि वो झूठ सामने आएगा और सच बोले बिना शायद आप भी ना रह पाए, तो कोशिश करना, क्योंकि वो झूठ सामने आया तो तमाशा बहुत सारा होगा, यह स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, यह सूर्यदेव आपका विवाह करवा सकते हैं इस बीच में। यह सूर्यदेव आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे और आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएंगे। यहां पर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के साथ में छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं मैरिड लाइफ में, लेकिन आपकी लव लाइफ में पार्टनर आपको बहुत समझाएगा, बहुत सारी स्थितियां बेहतर होंगी और लव लाइफ में एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पार्टनर आपको सौंप सकते हैं। जैसा आप सोच रहे होंगे वैसा ही होगा, बल्कि बहुत अच्छा हो जाएगा। हर प्रकार से स्थितियां बहुत बेहतर बनने वाली हैं। सूर्यदेव के इस गोचर काल से आपका सबसे ज्यादा पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा और हो सकता है कि आपके जीवन में पार्टनरशिप बहुत अच्छी बने और इस बीच में पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार आप शुरू करें।
और विशेष रूप से कहूंगा, अगर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आप बिल्डर इत्यादि हैं और किसी प्रकार से कोई आपका नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है इस बीच में, तो उसमें बहुत तरक्की प्राप्त होगी। अगर पूर्व में 2024 में ही आपने कोई नया प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो उसमें विशेष सफलता इस गोचर काल में आपको मिलने वाली है, यह स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, सूर्यदेव इस गोचर काल में आपके विदेश से संबंधित कार्य व्यापार में तरक्की लेकर आएंगे, धन वृद्धि और जॉब में प्रमोशन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि खर्चे भी बहुत होंगे, लेकिन धनु राशि वालों, दुश्मनों से और दोस्तों से दोनों से सावधान रहना, क्योंकि दुश्मन आपके सामने वार करेंगे और दोस्त पीठ पीछे, दोनों से ही आपको खतरा होगा। गुप्त शत्रुओं से विशेष खतरा दिखाई पड़ रहा है। सूर्यदेव आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये कॉन्फिडेंस आपको ओवर कॉन्फिडेंस की ओर ले जाए, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। सूर्यदेव के इस गोचर से निश्चित रूप से आपको कोर्ट कचहरी में विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है, या फिर मैं ये कहूँ कि वकील, जज इत्यादि या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई दलाली का काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ की स्थितियाँ बनने वाली हैं। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके पराक्रम और साहस से आप बहुत सारे लोगों का दिल जीत लेंगे और निश्चित रूप से आप अपने करियर में एक अलग ग्रोथ प्राप्त करेंगे। सूर्यदेव के इस गोचर से प्रमोशन होगा, करियर में तरक्की होगी, और विशेष रूप से अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस वो किसी प्रकार का मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हैं या फिर बड़ी कंपनी आपकी है खुद की, या किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वहां पर आपकी तरक्की निश्चित रूप से है। और सूर्यदेव क्या करेंगे, सूर्यदेव यहां पर विशेष रूप से आपके मनोबल और आपकी इनकम को बढ़ाने वाले हैं। लव लाइफ में पार्टनर से प्यार दिलाने वाले हैं और लव लाइफ में फैमिली ड्रामा खत्म करने वाले हैं, तो बहुत सारी स्थितियां बेहतर बनने वाली हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपको जॉब दिला सकता है, जॉब में प्रमोशन दिला सकता है, करियर में तरक्की दिला सकता है, और अगर आपका सरकारी क्षेत्र है तो विशेष रूप से आपको तरक्की प्राप्त होगी। राजनीतिक करियर बहुत बुलंदियों पर होगा और निश्चित रूप से प्रॉपर्टी का बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। अगर किसी प्रकार से आपका वाहन इत्यादि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसिंग का काम है तो वहां पर भी अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छी तरक्की मिलेगी। कई नए आपको वर्क मिलने वाले, अगर आप किसी प्रकार से कोई भी आर्ट के फील्ड में हैं, प्रोफेशनिस्ट हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। वैसे कुंभ राशि वाले अधिकतर जो स्थितियां होती हैं कि हार्डवर्किंग होते हैं, तो आपके हार्डवर्क का जो आपको फल नहीं मिल रहा था वो आपको मिलने वाला है। सूर्यदेव के इस गोचर से एक चीज और होने वाली है जो आपके लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकती है। आपका बहुत ज्यादा, खास करके मैरिड लाइफ में जो विश्वास था आपके पार्टनर पर, वो विश्वास टूट सकता है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, मेहनत का फल मिलेगा और मेहनती बनेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे, कर्म प्रधान आप निश्चित रूप से, आप बहुत कर्मठ हैं और कर्म से बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं, आलस्य को त्याग देंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर कुछ जुनून होगा, जिस जुनून के बदले आप बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। आपकी धन की वृद्धि होगी और विदेश यात्रा हो सकती है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है और विशेष बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। परिजनों का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, भाग्य का साथ सबसे ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, यह था आपका सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2025 के राशिफल के वीडियो अगर नहीं देखें तो देखिए जाकर के, इसी चैनल पर मिल चुके हैं, प्लेलिस्ट चेक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।